तो हर ब्लॉगर को पता है कि ब्लॉगिंग के लिए स्टोरी टेलिंग इज द मेन की, राइट? पर क्या आपको ये पता है कि स्टोरी टेलिंग के मेन कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? नहीं ना, मैं बताता हूँ। स्टोरी टेलिंग इज थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट, सेटिंग। हज़रात, आज थर्सडे का दिन है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीव्यू पे, और यहाँ पर आने की वजह यह कि आज हमारी फोटोग्राफी की क्लास है और उसके लिए हमें सर ने यहाँ पर जमा किया है। इट्स काइंड ऑफ अ फोटोग्राफी ट्रिप, तो हमारे पास और कोई जगह तो है नहीं, तो सीव्यू भी बचा है हमारे पास फोटोग्राफी ट्रिप के लिए। मसला ये है कि अभी सूरज जो है यहाँ थोड़ा सा सामने है, थोड़ी देर और निकलेगी तो सूरज जो है वो सर पे आ जाएगा। तो लेकिन यही है कि हमें नेचुरल लाइट में ही फोटोग्राफी को एडजस्ट करना पड़ता है। भी सोचा है अक्सर, तू भी मैं भी सभी है शीशे, खुदी को हम सभी में देखे, नहीं हूँ मैं हूँ मैं तो फिर भी सही गलत तुम्हारा मैं, मुझे पाना पाना है खुद को, जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। तो अब तक आपको पता चल गया है कि मैं कहां पर मौजूद हूं और मैं क्या करने आया हूं। दिस इज व्हाट सेटिंग इज। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग में बहुत ही मेन पार्ट प्ले करता है। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को फिल्म के एस्पेक्ट से देखें तो कोई एक चीज़ होती है जिसके एक बंदा अगेंस्ट होता है और दूसरा बंदा उसके फेवर में होता है। लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को व्लॉगिंग के एस्पेक्ट से देखें तो मैं कोई एक बात करता हूँ जिससे बहुत सारे लोग एग्री करते हैं और बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, और इसी पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो जो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे वो मुझसे रिलेट करेंगे, राइट? और जो लोग डिसएग्री करेंगे वो बस व्लॉग देखेंगे और देखकर चले जाएंगे। तो ये हमारी आज की कहानी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल्स हैं। मुलायजा फरमाओ। या जब आप ग्रुप में काम करते हो ज़्यादा आपकी मोटिवेशन होती है काम करने की, लेकिन मेरा केस पता नहीं उल्टा है, क्या है सीन है, जब मैं अकेला होता हूँ ना तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाता हूँ। तो ये है कि ग्रुप सारा पीछे है और हम चले हैं अकेले। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है या तो आप शाम में करो या आप करो 11 बजे से पहले करो, क्योंकि 11 बजे के बाद सूरज आ जाता है बिल्कुल सर पे, मतलब ये बुरा टाइम माना जाता है फोटोग्राफी में 12 से तकरीबन 3 बजे तक का। यार एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं बचपन में सीव्यू आता था ना, तो ये जो सीव्यू जो गंदा हुआ है ना, ये समझ लो मेरे बड़े होते होते ही हुआ है गंदा। पहले ये बहुत साफ होता था बचपन में जब मैं आता था, मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल ही ब्लू पानी है लेकिन साफ होता था। हम लोगों ने जो है वो उसको गंदा कर करके इसकी जो है वो बैंड बजा दिया। तो ये जो गंदगी हम रोते रहते ना कि गंदा हो गया, तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। हाँ, हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी सर कह रहे हैं ग्रुप पिक्चर लेंगे, उसके बाद सर हमारी पिक्चर सेट करेंगे, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। आपको चलें। अच्छा चले लाइन के करके तस्वीरें दिखा ले ताकि यहाँ भूख इतनी लग रही है सर, इतना टाइम लगा रहे हैं पिक्चर चेक करने में। इसको बोल रही हूँ कि हम लेट चले जाते नहीं दिखाते। तो यार अभी हमने सर को दिखाई नहीं पिक्चर्स, तो अब क्लास का टाइम भी वैसे ख़त्म हो गया। तो अब बात करते हैं एंड रेजोल्यूशन की। ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी कहानी की एंडिंग कैसे दिखाना चाहते हो। क्या आप अपनी कहानी के एंड में कोई सवाल छोड़ना चाहते हो, क्या आप अपनी कहानी की एंडिंग पॉजिटिवली दिखाना चाहते हो, या आप अपनी कहानी की एंडिंग नेगेटिवली दिखाना चाहते हो। अब ये मेरे चैनल का ब्लॉग है और मेरे ब्लॉग के एंड में सब अच्छा ही होता है, और बिरयानी से ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है भाई। अभी बज रहे 11:30 और जो डेली दुबई है वो खुलेगा कितने बजे? 12 बजे खुलेगा।
तो जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं यार, भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि हमसे आधा घंटा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ 10 मिनट हम बैठे तो अब हम शाही जा रहे हैं। ना है मेरे कोल पैसा, ना है मेरे कोल गड्डी, ना वड्डी कोठी, तेनू लेके देनी रोटी, कि तू जेद तू बनना मेरी बोटी। ना मैं पढ़िया ना मैं लिखिया, पर मैं दुनिया तू बड़ा सिखिया। समीम का बड़ा दिल था कि हम दिल्ली दुबई से खाना खाएं, लेकिन दिल्ली दुबई जो है वो बंद था। मैं ते कीता एक कम, मैं ते टुंटू ना वो जांदा, नाल थोड़ा बहुत गांदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा, मैं ते पिंड दा वो जट, थोड़ी लग गई सट, केवे तेरा मंगा हाथ, केवे तेरा मंगा हाथ। तो ये कुछ स्टोरी टेलिंग के मेन कंपोनेंट्स हैं जो मैंने 50 से ऊपर व्लॉग्स बनाने के बाद अपने फिल्म मेकिंग के कुछ कोर्सेज और बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स को देखकर सीखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरे इस व्लॉग से कुछ फायदा हुआ हो, और अगर फायदा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगले व्लॉग में मिलते हैं, सब अच्छा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आयास कोरजी और बाकी सब अच्छा है।